दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए लोगो कैसे बना सकते हो। लोगो बनाना बहुत ही आसान बात है, लेकिन जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए लोगो बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर लोगों से देखिए फायदा ये होता है, अगर आप लोगो अपने चैनल पर अगर जो ऑडियंस आती है देखने के लिए वो आपके जो लोगो देखते हैं और आपको वीडियो के अंदर जो क्वालिटी मिलती है, आपका चैनल जो कि होता है लोगों से काफ़ी ज़्यादा एट्रेक्टिव लगता है। आज मैं आपको बताऊँगा प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाए, यानी बढ़िया एक्टिव लोगो कैसे बनाए जो कि जमे चैनल के। मैं अभी अपने भी चैनल के लिए बना के दिखाऊंगा और कैसे मैं लगा लेता हूँ अपने चैनल पे लगाऊंगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नया है तो चैनल को लीजिए सर, बेल आइकन को लीजिए, फिर अपने दोस्तों में कर दीजिए सर, ताकि वो दोस्तों को भी कुछ नॉलेज मिल जाए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको लोगो कैसे बनाना है, बहुत एट्रेक्टिव लोगो बताऊँगा कैसे आपको बनाना है। तो गाइस लोगो बनाने के लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, पिक्सल है, पिक्सआर्ट, नहीं तो हम यूज करते हैं अपना पिक्सआर्ट। तो यहाँ पर ये थोड़ा ओपन होगा, इसके बाद आपको करना क्या है, ये ओपन है आपको इस अपने आप हो गया, तो आपको क्लिक नीचे जाना है, ठीक है। वाइट वाला ये वाला ले लेना है, ये वाइट वाला मैंने ये क्लिक किया, तो ये हमें इस पे आना है। यहाँ पर हमें क्रॉप करके ये वाला साइज डाल देना है। अब साइज बड़ा रखो छोटा रखो कोई इसमें मायने नहीं रखता, इतना मैं बड़ा ही साइज रखता हूँ, ठीक है। साइज आप कुछ भी रख सकते हो, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा रख सकते हो, फिर भी मैं इतना बड़ा रखता हूँ। आपको आना है टैक्स पे, तो पहला नंबर आपको लेना है अपना टैक्स। जैसे मेरा कपिल डे चैनल का नाम है, तो मैं पहले के ले लिया, तो हमें इसको बड़ा कर देना, हमें इस साइड में लगाना है, हमें कलर पर जाना है, हमें ब्लैक लेना है। तो आपके चैनल का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप ले लीजिए, उसके बाद इसको इतना सा कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाते हैं इस वाले ऑप्शन पे, हमें इसमें थोड़ा और इफेक्ट लगाना है, जैसे कि साइड में होगा तो साइड में हम लगाते हैं हरा, जो कि ये वाला रहा, इसको कर देते हैं थोड़ा कम, हरा कम दिखेगा। तो इतना मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लगा दिया, फिर हमें करना है आगे बढ़ाना, फिर से हमें जाना है टैक्स पे, जैसे कि जिस आपका चैनल का जो भी नाम हो हमें ले लेना है डी कपिल डे, तो मैं डी लगाऊंगा। तो डी को मैंने किया बड़ा और डी को लगाया यहाँ साइड में, इसके साइज में मैंने डी को लगा दिया, और आप जैसा चाहो वैसा लगा सकते। इसको मैंने कर दिया रेड पूरा, तो मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। आपको थोड़ा इसको नज़दीक और ले जाना है, यहाँ पर मैंने लगा दिया, इतनी नज़दीक और ले जाने के बाद इतना अब ठीक लग रहा है, ठीक। इसको मैंने किया, बस डी को ऐसे रहने देते हैं, डी पर बस इतना मैं लगाऊंगा, बस इसको कर दिया नेक्स्ट। उसके बाद जाना है हमें क्रॉ ड्रॉ वाले ऑप्शन पे, मैं आ गया अपने ड्रॉ वाले ऑप्शन पे, ड्रॉ पे यहाँ पर क्लिक करना है, आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बैकग्राउंड आपका वाइट सेलेक्ट करना है, ये आरिया टाइप में आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये रेड पर दिखेगी, ब्लैक पे आपको कट थोड़ा नजर आएगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये सब आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, बहुत एट्रेक्टिव लोगो लग रहा है। इसको थोड़ा सा और उस पर क्लिक करता हूँ मैं, इतना देखिए, ठीक है। इसके बाद आपके जो चैनल का नेम है ये थोड़ा देखिए कटा हुआ दिख रहा है, तो गाइस मैंने केडी लगा चुका हूँ। इसके बाद हमें जाना है इस वाले ऑप्शन पे, बैकग्राउंड जो है वही रहने देना है, आपको फील्ड कर देगा तो ऐसा देखने को, ऐसा आपको स्टिक पर ही फील्ड कर देना है। उसके बाद ये मैं आरी वाला, यहाँ पर और भी ऑप्शन आ जाते हैं, आप जो चाहो वो ले सकते हो। हमें यहाँ पर इसको कट करना है, तो कलर में इसका वाइट सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे में कट लगा दे रहा हूँ, देखिए कितना एट्रेक्टिव लोगो लगे। इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर मैं ऐसे लगाऊंगा, देखिए इसका कितना एट्रेक्टिव लोगो लग रहा है। और इसके बाद हमें जाना है फिर से न्यू टैग, आपका चैनल ऐसा नहीं है आप लगाइए, सॉरी थोड़ा गलत हो रहा है, इसको भी सेव नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको लोगो के तरीके काट के भी दिखाऊंगा। इसके बाद जाना है फिर से टैग्स पे, मैं अपना जो कि चैनल का नाम नीचे ढील रहा हूँ, तो गाइस मैंने अपने चैनल का नाम नीचे ढील दिया, छोटे में इसका कलर हमें कर देना है ब्लैक रेड, चैनल खो गया नाम नीचे रेड, इस पर जाता हूँ, इसका जो वहरी कलर है ये मैं ऐसे लगा दिया। इसके बाद हमें जाना नेक्स्ट पे, फिर से जाना हमें ड्रो पे, ड्रो पे वापस जाऊँगा। उसके बाद हमें जाना है इस वाले ऑप्शन पे, हमें सेलेक्ट कर लेना है ये वाला गोला, इसका इतना कर देना है बस ऐसे कलर, और मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से, ठीक है,
इतना मैंने बड़ा किया, इसके बाद हमें सेलेक्ट ऐसे कर दिया, ये आपके चैनल के लोगो में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको कर ले रहे हैं सेव। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने चैनल का लोगो बना सकते हो, बहुत एट्रेक्टिव लोगो बना सकते हो, लोगो से आप बहुत कुछ होता है। अगर आप लोगो नहीं भी अपने चैनल का बनाते हो तो मैंने आपको सिखा दिया लोगो बनाना। अगर आप अभी तक आप लोगो बनाना नहीं सीखो तो जाइए चैनल पे, देखिए मैंने वीडियो बना दी है लोगो, इसमें बहुत ही गजब मैंने बताया लोगो। अगर अभी तक नहीं आप बना सकते हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं दूसरा तरीका आप बताऊंगा लोगो बनाने। और ऐसा नहीं कि ऐसा ही आपका बनेगा, आपका जो भी चैनल है उसमें शॉर्ट करके अपना चैनल का नाम लेना। जैसे मेरा कपिल डे है तो मैंने पहले कपिल लिया, बाद में डी ले ली, ठीक है, मैंने पहले के लिया बाद में डी लिया, जैसे बहुत ही अट्रेक्टिव लोगो लगता है। अगर आपके चैनल पर अभी लोगो नहीं लगा तो लोगो जरूर लगाए, अपनी फोटो मत, फोटो अगर आप लगाना चाहते हो तो मत हटाइए। अगर लोगो लगाना चाहते हो, पर्सनल लोगो एक बनाना चाहते हो तो वीडियो को देखिए, और वीडियो करते हैं एंड। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लेने साथ बेल आइकन को ले, दोस्तों में कर दे। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।